गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे लेसन नंबर सेवन। इसका नाम है पौधों को जानिए, पौधों की स्थिति जानना। तो हम जानते हैं कि कहीं भी हम टहलने जाते हैं या किसी पार्क में घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं छोटे होते हैं, कुछ पौधे बहुत विशालकाय होते हैं। तो हम यह देखते हैं कि कुछ पौधों में हरे रंग की पत्तियाँ दिखाई दें, उसमें फल लगे रहते हैं। कुछ पौधों में बिना फल के होते हैं। तो हम जानते हैं कि पौधों जनरली तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साग। अनेक तीन प्रकार होते हैं, पहला साग मूसलधारी और तीसरा वृक्ष, यानी सागधारी वृक्ष। तो हम देखिए साग क्या होते हैं, यानी साग वो होते हैं जो हरे रंग के और इसके कोमल, यानी हरे कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। यानी ऐसा पौधा जो हरे रंग को हो और कोमल हो, उसी को हम साग कहते हैं। और ये समानतः छोटे होते हैं, यानी बहुत बड़े नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, तथा उन्हें कई शाखाएं नहीं होती हैं, यानी उन्हें कई शाखा नहीं निकली होती है। जैसे हम देखते हैं कि टमाटर, करेला, मटर, ठीक, ये सब पौधे जो आते हैं हमारा साग में आते हैं। ऐसे पौधे जो हरे और कोमल होते हैं, कोमल तले वाले पौधे साग कहलाते हैं। ये समान बहुत छोटे होते हैं और उसमें कई शाखाएं नहीं निकली होती है, इसे हम कहते हैं साग। जैसे हुआ टमाटर, हुआ करेला, हुआ मटर, हुआ प्याज, ये पौधे साग में साग की श्रेणी में आते हैं। दूसरा देखेंगे झाड़ी। ऐसे पौधे जिनमें शाखाएं तले के आधार पर समीप से निकलती हैं, जो भी शाखा निकलना हो उसके तले के समीप से निकलती है, जिसे हम कहते हैं झाड़ी। तना, उसकी जो तना होती है बहुत कठोर होती है, बहुत अधिक कठोर होता है, यह अधिक मोटा नहीं होता है, बहुत अधिक मोटा नहीं, बहुत पतला होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनमें शाखाएं तने के आधार पर निकलती हैं, तने के समीप से निकलती हैं, तथा कठोर होता है और यह अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें हम कहते हैं झाड़ी। जैसे नींबू, नींबू हमारा झाड़ी के श्रेणी में आता है। ठीक, उस तीसरा देखेंगे हम वृक्ष। ऐसे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं, ऊंचे होते हैं तथा तने उसके शरीर में गहरे होते हैं, उसके जो तना बहुत सुदृढ़ मजबूत और गहरे होते हैं, जिनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई और तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। यानी इनमें जो शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई और तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं। यानी वृक्ष जल्दी क्या होता है, मोटा होता है, यानी अधिक विशालकाय होता है, और उसकी जो तना होती है वृक्ष के ऊपरी भाग से निकलती है। जैसे हुआ आम, अमरूद हुआ, बेल हुआ, बरगद, इस प्रकार के जो पौधे आते हैं हमारा वृक्ष के श्रेणी में आते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे विसर्पी तना। विसर्पी तना कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। कुछ ऐसे पौधे होते हैं कमजोर तने वाले पौधे, कमजोर जिनका तना क्या होता है, कमजोर होता है, वो सीधा खड़ा किया जाए तो नहीं हो सकते, और भूमि पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, जिन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं। कमजोर तने वाले जो पौधे तो क्या करते हैं, यानी अपने आप खड़े नहीं होते, वो जमीन पर क्या होती है, पूरी तरह फैल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं विसर्पी लता। जैसे हम देखते हैं कि कद्दू हुआ, या कद्दू आवश्यक होती लौकी, या हम कह सकते हैं नुआ, ये सब क्या होते हैं, स्वयं उसके तरह बहुत देखते हैं, कमजोर को ऊपर नहीं सकते, जिसे हम उसी को कहते हैं विसर्पी लता।
यानी वो लिमिट क्या हो जाए पूरी तरफ से फैल जाती है। उसके बाद देखेंगे हम आरोही लता, ऐसे पौधे जो किसी पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ती है उन्हें हम आरोही लता कहते हैं। यानी ऐसे पौधे के जो किसी पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे हम यही जान लेते हैं कद्दू का या सेम, ठीक। वो क्या करते हैं किसी पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर क्या करते हैं फल फूल देते हैं, जिससे हम कहते हैं आरोही लता। उसके बाद देखिए तना, पौधे के ऐसे भाग जो प्रकाश की विपरीत दिशा में जाते हैं, यानी तना क्या होता है पौधे का ऐसा भाग जो प्रकाश के विपरीत दिशा में जाते हैं, इसी को तना कहते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए प्रकाश ऊपर से आ रहा है और नीचे से क्या होगा पौधा ऊपर जाता है, यानी उस ऊपर जो जाएगा उसको हम कहते हैं तना, यानी जो पौधे की विपरीत दिशा में जाता है उसी को हम कहते हैं तना। और पौधा मान लो उसको लगा दिए, जब उस प्रकाश पड़ा प्रकाश ऊपर से नीचे आता है तो पौधा क्या करता है नीचे से ऊपर जाता है, नहीं जो ऊपर जाने वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं तना। उसके बाद पत्ती, ठीक। तो पत्ती जानते हैं क्या होता है हरे रंग का, उसकी कठोरता और मुलायमता देखते हैं, ठीक। तो पत्ती में हम यह देखते हैं कि उसकी आकार आकृति और रंग कैसा है, ठीक। तो पत्ती कई भागों से मिलकर बना होता है, जैसे हम यह देखते हैं कि पत्ती पटल मान लीजिए पर दीप, ठीक। पत्ती में कई भागों से मिलकर होता है, पाला देखेंगे पर दीप पर पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है, यानी पत्ती का वह भाग पंडित क्या होता है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ा होता है, यानी पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ा रहता है, तना से जुड़े होता है पत्ती का वह भाग, जिसको हम कहते हैं पंडित, ठीक। और उसका देखेंगे फलक क्या होता है, जो पत्ती का जो चपटे भाग यानी पत्ती का जो चपटे भाग होता है उसी को हम कहते हैं फलक। उसके बाद पटल, जो इसके एक किनारे वाले भाग होते हैं, ये किनारा जो भाग होता है उसी को हम पटल कहते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर सेवन पौधों को डालिए। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वाष्प सर्जन, ऐसी क्रिया जो पत्ती से जल वाष्प रूप में निकलती है, ऐसी प्रक्रिया जो है जो पत्ती से जल वाष्प रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहते हैं वाष्प सर्जन। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे की बड़ी मात्रा में जल जब वो वायुमंडल में छोड़ते हैं, इसमें होता है कि इस प्रक्रिया में जो पौधे क्या करते हैं अधिक से अधिक जल वाष्प हमारे वायुमंडल में मात्रा में छोड़ते हैं, ठीक। उसके बाद कहीं प्रकाश संश्लेषण, जो हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश को परिस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं, इसमें यह करते हैं कि वह जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारा ऑक्सीजन गैस देते हैं, इसी क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक। जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश को परिस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हमको देते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद देखेंगे जड़, तो जड़ हम जानते हैं कि जो पौधे कुछ ऐसे पौधे पौधों में ऐसे भाग पौधों में वह भाग जो मिट्टी के अंदर रहता है इसी को कहते हैं जड़। ऐसी जड़े ऐसे पौधे पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर रहता है उन्हें हम कहते हैं जड़, पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है उसे कहते हैं जड़। तो जड़ आपका दो प्रकार होता है, पड़ाव तक जगड़ा जड़ और दूसरा होता है दूसरा जड़। ऐसी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं उन्हें हम कहते हैं खड़ा जड़ या रेशेदार जड़, ऐसी जड़ें जो एक समान दिखाई देती हैं, जैसे मक्का की जो जड़ें होती हैं उसकी सभी जड़ें क्या होती हैं समान दिखाई देती हैं,
का नियम झगड़ा डर, दूसरा होता मुस्कुरा डर। ऐसी तरह जो सीधे पीछे कोई मिल जाती है उसी तरह को हम कहते हैं मुस्कुरा डर। और उस मुख की जड़ यानी जो नीचे से मिल जाती है उस मुख की जड़ में क्या होती है छोटी छोटी जड़ें निकल जाती हैं, इसे कहते हैं पार्श्व जड़। ठीक, यानी मुस्कुरा डर क्या होता है ऐसी तरह जो नीचे की ओर चली जाती है इसे कहते हैं मुस्कुरा डर। और उस नीचे को चीज जाने में छोटी छोटी जड़ें दिखाई देती हैं इसे हम कहते हैं पार्श्व जड़। उसके बाद कुछ कुछ भी कुछ उसके भाग से जैसे पत्नियाँ पुष्प का खिला हुआ भाग कंप्लेन कहलाता है। जो भी पुष्प का जो फूल पुष्प जो खिला हुआ भाग होता है वही हमारे क्या होता है कंप्लेन कहलाता है। उसके बाद बाहर पुष्प में छोटी पत्ती आंख दिखाई देती है जैसे हम बाहर होते हैं कुछ भी कुछ हरा हरा रंग जो पत्ती दिखाई देती है जिससे कहते हैं पुष्प में हरे रंग की जो पत्ती दिखाई देती है जिससे हम बाहर। उसके बाद देखेंगे स्त्री केसर, पुष्प केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को हम कहते हैं स्त्री केसर। ठीक, उसके बाद फूल केसर, उसका देखिए फूल केसर। ठीक, तो जो जैसे फूल केसर जैसे रूप में दिया है जो पुष्प में जो पीले रंग का होता है ठीक उसी हम कहते हैं फूल केसर। और जो उसके केंद्र में स्थित है उसके बीच में यानी केंद्र में स्थित है उसे कहते हैं स्त्री केसर। यानी केसर को हटा देते हैं तो जो बीच में स्थित है उसको कहते हैं स्त्री केसर। उसके बाद देखिए बीजाणु, अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचना दिखाई देती है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचना